सऊदी अरब में फॉर्मूला वन रेस से पहले जिद्दा के तेल डिपो में भीषण आग। हूती विद्रोहियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। आग लगने के कारण का तुरंत पता नहीं लग सका है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी और सरकारी मीडिया ने हादसे की तुरंत पुष्टि नहीं की। सऊदी अरब के जिद्दा से बड़ी खबर आ रही है। शहर में स्थित एक तेल डिपो में शुक्रवार को विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये हमला फॉर्मूला वन रेसिंग से ठीक पहले हुआ है। जहां आग लगी वहां से F1 रेसिंग ट्रैक काफी करीब है। सोशल मीडिया पर आग के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें तेल डिपो में दूर से आग की लपटें दिख रही हैं और आसमान में कई मीटर ऊपर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आग लगने से पहले विस्फोट की आवाज सुनाई दी गई थी। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सऊदी अरब की ऑयल कंपनी सऊदी अरेमको और सऊदी सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। जेदा में रविवार को सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन रेस का आयोजन होना है। ऐसे में इस आयोजन पर खतरा मंडरा गया है। जेदा में F1 ट्रैक पर प्रैक्टिस लैप्स कवर कर रहे एसोसिएटेड प्रेस के फोटो जर्नलिस्ट ने स्थानीय समयानुसार शाम 5:30 बजे धुआं उठता देखा। ये धुआं रेसिंग ट्रैक से कुछ ही दूरी पर एक तेल डिपो से उठ रहा था। कुछ देर में दूर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। F1 ने अपने बयान में कहा है कि वे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और स्थानीय प्रशासन के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं।